नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। वाराणसी की एंटी करप्शन टीम ने आज चकबंदी लेखपाल सूरज सिंह को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। कमाल की बात यह है कि लेखपाल के ये रिश्वत जिलाधिकारी के ठीक नाक के नीचे उनके कार्यालय के गेट नंबर 2 के पास ले रहा था। शैदपुर क्षेत्र में तैनात लेखपाल सूरज सिंह की शिकायत वहरियाबाद थाना क्षेत्र की ग्राम बबूरा के रहने वाले विनय कुमार गौड़ ने की थी। प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन वाराणसी उपेंद्र सिंह यादव ने बताया है कि आरआईजी 645 के संशोधन की चकबंदी अधिकारी के आदेश के बावजूद क्षेत्र लेखपाल विनय कुमार गौड़ ने 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत वाराणसी आकर इन्होंने की थी। इनकी शिकायत पर आज हमने आरोपी लेखपाल को जिलाधिकारी कार्यालय के गेट नंबर 2 के पास की एक दुकान से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है, जहां लेखपाल पैसा ले रहा था। अपना परिचय दे दीजिए। प्रभारी निरीक्षक एंटी करप्शन वाराणसी उपेंद्र सिंह यादव। क्या मामला है? मामला ये है कि शिकायतकर्ता विनय कुमार गौड़, पुत्र स्वर्गीय विभूति गौड़, ग्राम बबूरा थाना वहरियाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 12/9/2022 को इस बात की शिकायत की गई कि चकबंदी अधिकारी द्वारा आदेश करने के बावजूद भी जो क्षेत्रीय लेखपाल चकबंदी श्री सूरज सिंह द्वारा जो है अमल दरामद के नाम पर 10,000 रुपये की मांग की जा रही है। मेरे बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी उनके द्वारा ये कहा गया कि बिना पैसा दिए आपका अमल दरामद मेरे द्वारा नहीं किया जाए। इस सूचना पर हम लोगों के द्वारा जो है आज 15/9/2022 को पूरी टीम के साथ और शिकायतकर्ता के साथ उपस्थित होकर के जिलाधिकारी कार्यालय गेट नंबर 2 के सामने विक्रम गुप्ता की दुकान के पास से 10,000 रुपया शिकायतकर्ता से लेते हुए चकबंदी लेखपाल श्री सूरज सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। अब आगे क्या कार्रवाई की? विधिक कार्रवाई एक कोतवाली में पंजीकृत कर आज अग्रिम कार्रवाई की गई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।